तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है मेरे पास आया है ये हीरो होंडा कंपनी का देसी की स्प्लेंडर बाइक। आज आपको बताऊंगा स्प्लेंडर बाइक में काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम है। अगर बाइक में बैटरी चार्जर ना हो, जैसे कि चार्ज नहीं दे रहा है, बार बार बैटरी बैठ जा रहा है, तो हम लोग इसके लिए क्या उपाय करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ बैटरी चार्ज के लिए, जो बाइक में बैटरी चार्जर स्प्लेंडर बाइक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और काफ़ी सारे मैकेनिक प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन करता है। तो हम लोगों का जो बाइक होता है इसमें 2.5 LV का बैटरी लगा हुआ रहता है, तो क्या हम लोग इसमें दूसरा बाइक का बैटरी लगा सकते हैं? तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में आपको बता सकते हैं जो दूसरा बैटरी लगाने तक हम लोगों का क्या प्रॉब्लम होगा, क्या ठीक होगा, तो ये सब कुछ चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे मैकेनिक भाइयों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले बैटरी अगर चार्ज ना हो तो सबसे पहले कहाँ से हम लोग शुरुआत करें ये हम आपको बताते हैं। जैसे मल्टीमीटर को हमने 20 पे किया और हम चेकअप करेंगे बैटरी का बैकअप कितना है। जैसे कि अभी दिखा रहा है 6 वोल्ट, ठीक है। अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का पॉइंट अभी 8 हो गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों बैटरी चेकअप करने के लिए हम लोगों को एक अच्छा बैटरी का ज़रूरत होता है, तभी हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाता है। क्यों पाता है मैं आपको बता देता हूँ। बाइक में अगर जैसे कि अच्छा बैटरी है वो और उसका 12 वोल्ट 80 पॉइंट दिखा रहा है, तो दिखाने के बाद हम दोनों वायर को यहाँ पर लगाएंगे मेरे मैकेनिक भाइयों। जैसे कि अभी 8 वोल्ट 65-64 पॉइंट दिखा रहा है। अब स्टार्ट करने के बाद बैटरी का बैकअप जो होता है वो ज़्यादा होता है कि नहीं, तो चलो हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं ज़्यादा होता है कि नहीं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों यह बैटरी डाउन है, तो ये सबसे पहले 7 वोल्ट था जब हमने बाइक को स्टार्ट किया, तो 8 वोल्ट हुआ, उसके बाद 9 वोल्ट हुआ। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको बैटरी चार्ज कराना पड़ेगा। चार्ज कराने का 50 ही आ रहा है अगर बैटरी चार्ज हो तो, अगर बैटरी चार्ज नहीं होगा तो उससे कम आएगा। जैसे कि इस बैटरी में चार्ज नहीं है, अभी कम दिखाई दे रहा है, 7 वोल्ट दिखाई दे रहा है, स्टार्ट करने के बाद 9 वोल्ट आया। अब सैंपल के तौर पर आप लोग अच्छा रनिंग बैटरी लगाएंगे, 12 वोल्ट 85 पॉइंट होगा उसमें, और स्टार्ट करने के बाद 13 वोल्ट 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कौन सा चीज़ हम लोग देखें, अब हम उसको उसके बारे में बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये होता है रेगुलेटर चार्जर। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, ये रेगुलेटर चार्जर को चेंज कर देता है और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हम आपको दिखा रहा है ये जो आप लोगों को सॉकेट दिख रहा है, इसके अंदर जैसे कि एक पीला वायर और एक सादा वायर, एक पीला और एक वाइट वायर, ये दोनों वायर आता है जैसे कि आर्मीचर कॉयल से। आर्मीचर कॉयल क्या करता है, ये रेगुलेटर चार्जर को देता है। रेगुलेटर चार्जर क्या करता है, हाई वोल्ट जब आता है तो इसमें लो वोल्ट करके जैसे 12 वोल्ट करके बैटरी को देता है। जैसे कि हम आपको बता देता है यहाँ से, जैसे कि इस वायर पर वोल्ट आया और इस वायर पर वोल्ट आने के बाद यहाँ में घुस गया, ठीक है। घुसने के बाद इसका जो कपलर है इसमें आ जाता है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो सॉकेट लूज है इसका कारण ये है, तो दो वायर आएगा इसमें, जैसे कि एक वाइट वायर आएगा और एक जैसे कि पीला, तो ये दोनों इनपुट होता है और आने के बाद इसमें घुस जाता है और एक आर्थिंग आएगा। आने के बाद क्या करता है, जो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो बैटरी चार्जर होता है, बैटरी चार्जर में घुसता है। घुसने के बाद ये जो रेड कलर का वायर है इसमें वोल्ट 12 वोल्ट करके बाइक में देता है। अब किसी किसी बाइक में आप लोग देखते हो रेगुलेटर चार्जर न्यू डालने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों रेगुलेटर चार्जर ख़राब होने का कारण ये नहीं हो रहा है, इसका अंदर जो इंजन। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो स्प्लेंडर बाइक का जो कॉयल होता है, हेडलाइट कॉयल और बैटरी चार्जर कॉयल, यही होता है। तो ये देख रहे हैं शायद आप लोग, ये जल गया है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉयल का ख़राब होने का कारण बाइक में प्रॉब्लम होता है बैटरी चार्ज का और हेडलाइट का। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, स्प्लेंडर बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हेडलाइट बॉल लेके। काफ़ी सारे मैकेनिक हो या कस्टमर हो, व्यूअर हो, हर कोई सोच रहा है बाइक में लाइट क्यों कम आ रहा है, बैटरी चार्ज क्यों कम दे रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये इंजन में लगा रहता है आर्मेचर कॉयल, और ये कॉयल ख़राब होने का बाद क्या होता है, बाइक में बैटरी चार्जर का भी प्रॉब्लम होता है और हेडलाइट का भी प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपको बताया, रेगुलेटर चार्जर आप लोग न्यू डालने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये जो कॉयल होता है आर्मेचर कॉयल, पूरा सेट लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग से नहीं मिल रहा था। पहले के टाइम में 10 साल पहले मिल जा रहा था, लेकिन अभी का टाइम में क्या हुआ, पूरा असेंबली हम लोगों को लेना पड़ता है। 800-950 रुपये इसका कीमत है। तो ये जो आर्मेचर कॉयल होता है, इसका कारण भी ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ आपको हमने बताया, और एक चीज़ के आरोप बारे में बता देता हूँ, जैसे कि बाइक में हेडलाइट बॉल कट जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हेडलाइट बॉल कटने का एक ही चांस होता है हर कोई बाइक के लिए। ये जो रेगुलेटर चार्जर होता है, इंजन से जो हाई वोल्ट आता है उसको लो करके कैप्चर करके नहीं पाता है। तो अगर हेडलाइट बॉल बार बार कट जाता है, तो उसका कारण भी ये रेगुलेटर चार्जर दाय होता है, उस वक्त हम रेगुलेटर चार्जर चेंज करेंगे। तो बैटरी चार्जर के लिए कभी कभी बैटरी चार्ज भी ख़राब हो जाता है, उसका चार्जर भी ख़राब हो जाता है, उसका कारण भी बैटरी चार्ज नहीं देता है। और कभी कभी आर्मेचर कॉयल भी ख़राब हो जाता है, ये कॉयल, उसका कारण भी ये नहीं होता है। तो हम लोगों को जाँच करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जाँच हम लोग मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो आप किस तरह से बताएं, बता देता है। तो जैसे कि ये मल्टीमीटर हमने लगाया, और मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया। अब हम चेकअप करेंगे मल्टीमीटर कहीं बॉडी का साथ टच तो नहीं है। तो जैसे कि वाइट कलर पे हम लगा रहे हैं, वाइट कलर पे लगाने के बाद हम कुछ इस तरह के शो कर रहा है मल्टीमीटर। तो मेरा कॉयल ठीक है। अब हम चेकअप करेंगे इस कॉयल को, वाइट वाला वायर को। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, मेरा दिखा रहा है मैग्नेट कॉयल भी ठीक है। अब जैसे कि ये मल्टीमीटर में ठीक दिखा रहा है, अगर इसके अंदर वोल्ट कम जाएगा तो भी हम लोगों का बैटरी चार्जर प्रॉब्लम होगा, और हम लोग मल्टीमीटर से ये तो पता कर ले सकते हैं कॉयल कटा हुआ है या शॉर्ट हुआ है। लेकिन हम लोग ये पता नहीं कर सकते जो बाइक का आर्मेचर कॉयल का ताकत कम गया है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते हैं मल्टीमीटर से। इसके लिए हम लोगों को तजुर्बा होना चाहिए, और हमको जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग बाइक का, जैसे कि बैटरी चार्ज का सिस्टम हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ।